मंडी के ऐतिहासिक सैरी मंच पर जन आभार रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनावों में भाजपा के ऐतिहासिक जीत के लिए प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा ने न केवल चारों संसदीय सीटों पर जीत हासिल की है, बल्कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारी जीत दर्ज करके रिकॉर्ड स्थापित किया है। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर जन आभार रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा ने न केवल चारों संसदीय सीटों पर जीत हासिल की, बल्कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारी जीत दर्ज कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा को लगभग 70% वोट मिले, जो कि देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा को 15 लाख वोट प्राप्त हुए थे, जबकि इस बार पार्टी को 32 लाख वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रदेश भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को जाता है। जिस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही है, पूरे संगठन का नेतृत्व करने की अगर बागडोर अगर हिमाचल के हमारे किसी नेता को मिल सकती है, उसमें हमारे जगत का नड्डा जी के नाम का जिक्र भी जरूरी है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि हिमाचल को इससे आगे क्या चाहिए। देश में हिमाचल, प्रदेश में हिमाचल एक अलग बुलंदी के साथ, अलग पहचान के साथ खड़ा हुआ है। आओ हम मिलकर के आगे बढ़े, सब मिलकर के काम करेंगे और मंडी लोकसभा क्षेत्र में सुशानदार जीत, जहां पर गोविंद ठाकुर जी बैठे हैं, जहां पर सारे हमारे आर्मी के विधायक बैठे हैं, कुल्लू के विधायक बैठे हैं और बंजार के विधायक बैठे हैं और यहां सारे मंडी के तो विधायक सब बैठे ही बैठे हैं, सभी सारा नेतृत्व बैठा है। इन नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और नेतृत्व के आभार के साथ साथ में पार्टी के संगठन का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जी, पवन राणा जी और इनकी सारी टीम जिस प्रकार से हमको काम में यहां पर लगा करके रखा पूरे पिछले काफी समय से, उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश के लोगों ने देश की बागडोर पुनः पीएम नरेंद्र मोदी को देने का मन बना लिया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का 15 महीनों का कार्यकाल उपलब्धियों व सफलताओं भरा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की अभूतपूर्व भारी जीत से चिंतित कांग्रेस नेता जनादेश को स्वीकार करने के बजाय अपनी हार का कारण ईवीएम को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के दौरान ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब भाजपा ने जीत हासिल की तो कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम को दोषी ठहराया, जिससे कांग्रेस की दोहरी मानसिकता का पता चलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की भारी हार का एक कारण कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित और तर्कहीन आरोप लगाना भी रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने इन टिप्पणियों को पूर्ण रूप से नकारा और भाजपा के पक्ष में वोट दिए हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। बहुत जगह शोर डाला जाता था, हमारी वजह से सरकार बनती है, हमारी वजह से मंडी जीती जाती है। अब की बात अपने मतदान केंद्र तक वो नहीं रुके, मतदान केंद्र पर भी नहीं मिल पाए। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की जनता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं रामपुर की जनता का। वहां पर हम कार्यक्रम में गए और जब उस कार्यक्रम में गए तो हम वहां पर जब जाते थे, कुछ लोग सामने होते थे, कुछ लोग मंच पर होते थे, बाकी लोग दाएं बाएं मिलते थे। और उस दिन जहां हम वहां पर कार्यक्रम में पहुंचे, तो कार्यक्रम में जब पहुंचे तो हमने देखा जगह कम पड़ गई, लोग पहाड़ों पर ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक खड़े थे, मैदान तो पूरा भरा था। उस दिन मुझे लगा कि रामपुर कुछ और करने वाला है और परिणाम हुआ कि रामपुर ने बहुत शानदार जीत, बहुत शानदार बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी को अब की बात। मैं रोहडू गया, रोहडू में मैंने कहा भाई। इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मंडी के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि भाजपा को राज्य के सभी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि वह मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए अधिक समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। आज हमारे प्रांत का नेतृत्व बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। ये छोटी काशी मंडी वर्षों इंतजार कर रही थी विकास का, लड़ते रहे परिवारों के लिए, लड़ते रहे रिश्तेदारों के लिए। इस मंडी से कोई नहीं लड़ा, अगर मंडी से कोई लड़ रहा है
तो जयराम ठाकुर जी लड़ रहे हैं, जयराम ठाकुर जी लड़ रहे हैं, जयराम ठाकुर जी लड़ रहे हैं। आज विकास कर रहे हैं, इतिहास लिखा जा रहा है। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो बहुमत दिया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने जो बहुमत दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मंडी पार्लियामेंट की आन और मान शान के लिए हम सारे लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मंडी अपना गौरवशाली इतिहास प्राप्त करे, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और आज इस मंडी के इस मैदान पर जहां आज हम माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं, वो अस्वस्थ होते हुए भी पूरे देश में अगर जनसभा हुई तो तीन नेताओं के नाम आए। पहला नाम आया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा नाम आया अमित शाह जी का, अगर तीसरा कोई नाम आया है तो जयराम ठाकुर जी का आया है। और आज चारों की चारों सीटें हमने जीती है, ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। मैं मंडीवासी हूं, आज हिमाचल प्रदेश अपनी अंगड़ाई लेकर आगे बढ़ा है। आने वाले दिनों में आपको और भी सुखद समाचार मिलेंगे। हमारे जहां प्रदेश से केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अनुराग ठाकुर जी बने हैं, उनको बधाई देता हूं। वहीं आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमें जेपी नड्डा जी के दर्शन होंगे, ये भी हमें अपेक्षा है। ये सारे काम तब हुए जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, चार की चार सीटें जीत ली और दिल्ली बता दिया और वोट एवरेज निकली तो पूरे भारतवर्ष में वोट परसेंटेज में हमारा हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर आया। इसके लिए माननीय सतपाल सत्ती जी, पवन राणा जी और अपनी संगठन की टीम को बधाई देता हूं।